ऑल राइट गाइज, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। मैं हूं निपुण अग्रवाल, अभी अटेंड करके आया हूं 15th IBBF मिस्टर इंडिया। बहुत ही प्यारा इवेंट था। थैंक्स टू चेतन पठारे जी, हीरल शेठ जी एंड बिग थैंक्स टू मोनू सब्रवाल जिन्होंने इतना अमेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस पूरी वीडियो में मैं आपको हर कैटेगरी के टॉप 8 के बारे में बताने वाला हूं, उनका नाम क्या है, उनका ट्रंक नंबर क्या था, वो किस वेट में थे और किस यूनिट यानी किस स्टेट या फिर किस स्टेट डिपार्टमेंट से खेल रहे थे। यहां पे जो आप देख रहे हैं कैटेगरी, ये है 55 केजीज कैटेगरी इन मेंस बॉडी बिल्डिंग। ऑब्वियसली इस वाली चैंपियनशिप में सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही था, मेंस बॉडी बिल्डिंग एंड विमेंस बॉडी बिल्डिंग। ऑल राइट, चलिए इन एथलीट्स को देख लेते हैं। यहां पे है, इन तीन एथलीट्स को बुलाया गया आगे, इनमें से एक को सेलेक्ट करना है जो कि जाएगा टॉप 5 में। पीछे 4 एथलीट्स ऑलरेडी खड़े हैं, इनमें से एक एथलीट पीछे जाएगा यानी टोटल हो जाएंगे वो टॉप 5 और 2 जाएंगे घर। ये ट्रंक नंबर 3 जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो दीपेश जनार्दन भोयर महाराष्ट्र के हैं, 54.3 केजीज के। बीच में है ट्रंक नंबर 14 सुभाशीष सूर जो वेस्ट बंगाल के हैं, 54.2 केजीज पे। और बिल्कुल राइट साइड में जिनको आप देख रहे हैं वो ट्रंक नंबर 24 है, नितेश कुमार बरीक ओडिशा को बिलोंग करते हैं। देखिए, जब आप ये वीडियोस देख रहे हैं ना, तो अगर आप इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और या फिर आप बिल्कुल केयर करते हैं एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स की, तो ये वीडियो आप उनके साथ और अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने बार बार देखा है कि बॉडी बिल्डर्स बेचारे कम्पीट करके चले जाते हैं और फिर बाद में ढूंढते रहते हैं कि उनको कहीं से उनकी फ़ोटो या वीडियो मिल जाए। इस पूरी वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, और एनालिसिस के नाम, ट्रंक नंबर, स्टेट के साथ। तो आप बॉडी बिल्डर्स की प्लीज़ हेल्प कीजिए, उन तक ये वीडियोस पहुंचाने में मदद कीजिए। चलिए चलते हैं टॉप 5 में। यहाँ पे हमें 2 और एथलीट्स मिल गए, एक हैं ट्रंक नंबर 5 के बालाकृष्णा रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड से, और आई थिंक ट्रंक नंबर 30 जो तमिलनाडु के हैं, गोपाला कृष्णन राधा कृष्णन। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, गोपाला कृष्णन राधा कृष्णन। यहाँ पे मैंने स्क्रीन की टोनिंग भी थोड़ी सी ब्लू की है, बिकॉज पहली वाली बहुत ही ऑरेंज हो रही थी, है ना। सो जस्सी, ये कंपैरिजन है टॉप 5 का, इनमें से मिलेंगे 5, 4, 3, 2, 1। अब इस चैंपियनशिप के बारे में, स्पेशली इस पर्टिकुलर 15th मिस्टर इंडिया के बारे में जो मोनू सबरवाल जी ने ऑर्गेनाइज की थी, ये बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पे लगभग 25 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जा रहा था। हर कैटेगरी के, हर वेट कैटेगरी के विनर को 75,000 रुपए थे, और हर जो फिफ्थ था उसको भी 15,000 रुपए थे, और बाकी बीच में आप सोच ही सकते हैं, मेरे ख्याल से 75, 50, 35, 25, 15 ऐसे कुछ होगा, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। That's a lot of prize money. और चैंपियन ऑफ द चैंपियन जो कि राम निवास मलिक बने, उनको मिला था 3 लाख रुपए एडिशनल। तो अब देख लेते हैं थोड़ी सी इंडिविजुअल पोजिंग। ये इंडिविजुअल पोजिंग है, पहले है ट्रंक नंबर 3 दीपेश जनार्दन भोयर महाराष्ट्र के। इसके बाद मैं आपको बाकियों की भी इंडिविजुअल पोजिंग दिखाऊंगा, जैसे है ट्रंक नंबर 5 के बालाकृष्णा फ्रॉम रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड बहुत ही धांसू था, आई थिंक दे वन मोस्ट ट्रॉफीज। आगे आपको इसी वाले वीडियो में मैं वो भी दिखाऊंगा, बट फिलहाल इंडिविजुअल पोजिंग्स देखिए और उसको एंजॉय कीजिए। बता देता हूँ, ये है कैटेगरी नंबर 55, वेट क्लास 55, 15th मिस्टर इंडिया 2024 का, जो लुधियाना में हुआ था। बिग थैंक्स टू चेतन पठारे जी, हीरल सेठ जी और मोनू सबरवाल जी एंड एंटायर टीम। दिस इज ट्रंक नंबर 14। ट्रंक नंबर 14 है सुभाशीष सूर वेस्ट बंगाल के, 54.2 केजीज वेट था इनका, एंड ऑब्वियसली ऑन वन ऑफ द हायर साइड, बिकॉज 55 केजीज तो लिमिट ही है, अगर और थोड़ा सा ज्यादा होता तो शायद दूसरी कैटेगरी में ही चले जाते, बट यस देयर ही वॉज। ये नेक्स्ट ट्रंक नंबर है, ये है ट्रंक नंबर 30 गोपाला कृष्णन राधा कृष्णन, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। अब साउथ इंडियन एथलीट्स का बहुत बोलबाला था यहाँ पर, दे वर रियली गुड, या तो सर्विसेज के या रेलवेज के बॉडी बिल्डर्स की टीम्स बहुत अच्छी थी, साउथ इंडियन अच्छे थे, पता नहीं क्या हो रहा है, नॉर्थ इंडिया वाले शायद बहुत ज़्यादा फिजिक की तरह चले गए। व्हाट डू यू थिंक, आप भी हमें बताइए जरा सोच के, बट लुक एट द ग्लूट्स एंड हैम्स मसल सेपरेशन ऑफ दिस एथलीट। और ये जो लास्ट कैंडिडेट थे, लास्ट टॉप 5 में थे, ये है कुंदन कुमार गोपे जो झारखंड के थे, ट्रंक नंबर 33 हैं झारखंड के। इनकी भी इंडिविजुअल पोजिंग में बहुत प्यारी पोजिंग थी, बैक फ्लेयर इनका थोड़ा कम था जो भी आपने देखा, बट अदरवाइज जस्ट ओवरऑल फिनोमिनल, एंड अ स्टेज प्रेजेंस वाज आल्सो वेरी गुड।
बट मैं जज नहीं हूँ, आप जज नहीं है, तो देखते हैं जजेस ने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या डिसीजन लिया. ऑब्वियसली इनकी तो फ्रंट बहुत अच्छा था लेकिन बैक बहुत ज़्यादा वीक था, बट इनका जो फाइनल कंपैरिजन था उसमें एक बार चलते हैं और देख लेते हैं रिजल्ट. फ्री पोजिंग के लोग यूजली दीवाने होते हैं, तो आपको एक बार ज़रा फ्री पोजिंग भी दिखा देता हूँ. ये है फ्री पोजिंग. अरे रुक जा भाई, कहाँ चला, हमारे साथ ये वाला पोज मार ले. चल मार लेता हूँ बेटा. अभी तीनों ने वाला पोज मारा और साइड में है ट्रेंड नंबर 33 कुंदन. ये हूँ मैं, बड़ा मेहनत कर रहा हूँ आगे बैठ के पूरे दिन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. अभी थोड़े मंत्री जी वगैरह आए थे, ये IBBF, आप सभी जानते हैं IBBF में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, MLA से लेके IPS ऑफिसर्स और पुलिस महकमे के लोग, नेता, बहुत सारे राजनेता, सब कुछ बहुत इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको थोड़ा सम्मान वगैरह करना ज़रूरी है. बट फटाफट मैं चलता हूँ अब आगे फाइनल रिजल्ट्स की ओर. ऑलराइट, और ऐसे ही टाइम आ गया फाइनल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का. सो फिफ्थ प्लेस वेंट टू ट्रंक नंबर 14 जो है सुभाशीष फ्रॉम वेस्ट बंगाल. इनको मिली फिफ्थ प्लेस और इनको ट्रॉफी दी राजन ने, जो कपूरथला में एक जिम ओनर हैं और पंजाब फेडरेशन में टीम के एक बहुत पुराने मेंबर हैं. पीछे खड़े हैं मोनू सब्रवाल जी. फोर्थ प्लेस गई ट्रंक नंबर 30 को. ट्रंक नंबर 30 है गोपाला कृष्णन राधा कृष्णन फ्रॉम तमिलनाडु. ही इज 53.9 केजीज ऑफ वेट. देखिए पूरी चैंपियनशिप के बारे में ना ये भी देखने के लिए मिलता है कि कितनी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है. लोगों को पता है कि लेफ्ट और राइट साइड खड़ा होना है, एथलीट को बीच में जाना है, स्टेज मार्शल्स काफ़ी मेच्योर और सीनियर है और अच्छा काम कर रहे हैं. सेकेंड रनर अप यानी थर्ड प्लेस वेंट टू ट्रंक नंबर 3. ट्रंक नंबर 3 है दीपेश जनार्दन भोए महाराष्ट्र के, 54.3 केजीज में. ही वॉज फिनोमिनल टू. शॉर्ट हाइट है, बिल्कुल पैक्ड विथ फुल मसल. बट देखते हैं सेकंड कौन आया, यानी फर्स्ट रनर अप ऑफ दिस कैटेगरी इज ट्रंक नंबर 33. ट्रंक नंबर 33 इज फ्रॉम झारखंड, कुंदन कुमार गोपे. कुंदन कुमार गोपे 33 ट्रंक नंबर पे 54.4 केजीज के थे. इनको मिला सेकंड, यानी इस कैटेगरी के विनर कौन है? क्विकली टेक अ गेस, इस कैटेगरी के विनर कौन है? ट्रंक नंबर 24 है क्या? अभी पता चल जाएगा. इस कैटेगरी के विनर हैं ट्रंक नंबर 5 के बालाकृष्णन, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के. रेलवेज ने, आपको पता है, बहुत सारी ट्रॉफीज इस बार झटकी हैं. इनफैक्ट आई थिंक पूरा टीम चैंपियन अवार्ड भी उन्हीं का था. हेयर इज ट्रंक नंबर 5 के बालाकृष्णन. इनका 53.9 केजीज इनका वेट था और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के एथलीट हैं. इन्होंने सबको नमस्कार किया, अभिनंदन किया हाथ जोड़कर, और उसके बाद श्री देवधर जी से, जो कि चीफ पेट्रन है IBBF के, उनसे ट्रॉफी ली और मेडल पहना. आई थिंक जिनसे मेडल पहन रहे हैं वो MLA हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद मेडल मुंह में पकड़ के पिक्चर क्लिक कराई प्यारी सी, और उसके बाद एक आई थिंक सबने नीचे बैठ के ग्रुप फोटो लिया. हियर यू गो ग्रुप फोटो, जैसा मैं कह ही रहा था आपसे, देयर इज एन अमेजिंग ग्रुप फोटो. उसके बाद टॉप 3 ने पिक्चर्स क्लिक कराए, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर्स. ये प्लीज शेयर कीजिए इन एथलीट्स के साथ ताकि वो देख पाए. और अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी पे जो है 60 केजीज. ऑफ कोर्स ये एक लो वेट कैटेगरी की बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दो रीजन से, क्योंकि एक तो इसमें एथलीट्स बहुत सारे थे, दूसरा इसमें कुछ पावरफुल स्ट्रॉन्ग नेम्स थे, जैसे नितिन मात्रे जो महाराष्ट्र के हैं 59.3 केजीज के थे, एल नेता सिंह जो मणिपुर के हैं, वो आप देख सकते हैं कि अभी मैं दिखाता हूं आपको, लेफ्ट साइड में खड़े हैं एल नेता सिंह. मैसिव क्वाड्स, लाइक क्रेजी मैसिव क्वाड्स. वासु है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन के, भूपिंदर सिंह है पंजाब के, रजत है इसमें, उसके अलावा विग्नेश है तमिलनाडु के, विग्नेश इज ऑल्सो क्रेजी, नितिन बनोत्रा है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के. तो ऐसे बहुत सारे अच्छे एथलीट्स इस कैटेगरी में थे. तो पहले इन्होंने शुरुआत के एथलीट्स को आई थिंक 8 या 10 एथलीट्स को इन्होंने लाइनअप कराया, और उसके बाद पीछे के एथलीट्स को लाइनअप कराया. इतने सारे एथलीट्स थे कि अभी तो भैया लाइनअप ही चल रहा है. 3 रोज बनाई गई हैं एथलीट्स की, सो दैट दे कैन स्टैंड टुगेदर एंड जजेस कैन डू देयर वर्क. हियर आर सम ऑफ द जजेस. ऑब्वियसली सेटिंग की वजह से आप सबको नीला नीला दिख रहा होगा, बट लेट्स गो बैक टू द एथलीट्स. तो सारे जजेस का प्रोसेस क्या है ना, कि जजेस की टेबल अलग होती है और उनको बता दिया जाता है कि आपको इतने लोग सेलेक्ट करने हैं. उनको
कोई आके ऑफिशियल्स आके बता देते हैं कि जस्ट सेलेक्ट दीज मेन्यू, तो उनको अपने सिर्फ ट्रंक नंबर्स लिखने होते हैं और आई थिंक कुछ नंबरिंग भी देनी होती है, आई एम नॉट श्योर, और वो शीट जाती है एक दूसरी टेबल पे जहाँ पे कैलकुलेशन होती है। तो एक्चुअली जजेस को नहीं पता कि बाकी जजेस ने क्या नंबर दिए हैं। इनकी मैं बात कर रहा था, ये है ट्रंक नंबर 37 वाले थे एल नेता। चलिए एक बार इस कैटेगरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके चलूंगा। Vaskar Mandal from West Bengal, and number 49, Rahul from Delhi, and number 50, Pokusambam Nandji Singh from Manipur, and number 51, Mohammad Ayan from Bihar, and number 52, Nitin Mahatre from Maharashtra, and number 54, Sajin Lal VS from Kerala, and rank number 55, Raushan Kumar from Jharkhand. ऑल राइट, तो चलते हैं इस कैटेगरी के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे। फिफ्थ प्लेस पे थे पंजाब के भूपेंद्र सिंह, ट्रंक नंबर 45, 59.6 केजीज वेट वाले। हियर इज दिस स्पेशल मोमेंट ट्रॉफी और सर्टिफिकेट लेते हुए। फोर्थ प्लेस पे थे, अभी देख के पता चलेगा। ये वीडियोस नए एथलीट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ट्रंक नंबर 38 जो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के एथलीट हैं, वासु नाम है इनका, 59.1 केजीज के हैं ये। इनको फोर्थ प्लेस दिया गया। लेट्स गो टू थर्ड प्लेस पे ना। थर्ड प्लेस दिया गया ट्रंक नंबर 62 को। 62 पे है जगदीश पिलाजी दायत जो महाराष्ट्र के हैं और 58.9 केजीज के थे ये। जगदीश पिलाजी दायत फ्रॉम महाराष्ट्र। एंड सेकंड प्लेस गोज टू ट्रंक नंबर, आई थिंक दिस शुड बी आइदर नेता सिंह और नितिन महात्रे। ओके दैट्स ट्रंक नंबर 37। ट्रंक नंबर 37 पे जैसे मैंने बोला एल नेता सिंह मणिपुर के हैं 58.6 केजीज पे, यानी विनर हो गए नितिन महात्रे, अ वेरी पॉपुलर बॉडी बिल्डर फ्रॉम महाराष्ट्र इंडीड। अब आई एम श्योर वेरी टफ, देर वॉज अ वेरी टफ फाइट बिटवीन नेता सिंह एंड नितिन महात्रे, बिकॉज नेता सिंह ऑब्वियसली मणिपुर के हैं, मणिपुर से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शॉर्ट हाइट और लो वेट कैटेगरीज में बहुत अच्छे एथलीट्स आते हैं। और एक स्पेशल क्वालिटी देखी मैंने मणिपुर के एथलीट्स में, दे आर ऑलवेज वेरी वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल। लेकिन इस कैटेगरी के विनर थे नितिन महात्रे जो महाराष्ट्र के एक काफ़ी पॉपुलर बॉडी बिल्डर हैं, 59.3 केजीज के 52 ट्रंक नंबर पे नितिन महात्रे। एक्चुअली काफ़ी बार ना ऐसा लगता है कि इस कैटेगरी में ये पॉपुलर एथलीट है या फिर अच्छी फिजिकल एथलीट है तो इसका जीतना निश्चय ही है, निश्चित ही है। जैसे इस कैटेगरी में मुझे थोड़ा सा डाउट था कि नेता सिंह फ्रॉम मणिपुर ही वाज मैसिव, लेकिन शायद दे वर लुकिंग फॉर मोर श्रेडेड, मोर कॉम्पैक्ट देन वॉल्यूम, तो इसलिए नितिन महात्रे को दिया। बट एज यू नो आई एम नॉट द जज, वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग स्टेट्स के जजेस होते हैं, तो मैं अज्यूम करता हूँ दैट द अपॉर्चुनिटी फॉर एनी काइंड ऑफ पार्शियलिटी इज नॉट देयर। ऑल राइट, तो इसके बाद मैं आपको सीधा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे ले जाऊंगा 65 के जी इस कैटेगरी में, जिसमें फिफ्थ प्लेस दिया गया था योगेश निकम को। योगेश निकम महाराष्ट्र के हैं, ट्रंक नंबर 79 पे थे। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जब वो अपनी पोजिंग कर रहे थे ना कंपैरिजन के टाइम पे टॉप 8 और टॉप 5 की, तब उनको इतना बुरा क्रैम्प आया था लेग्स में कि आप देख सकते हैं वो लिंप करके लगड़ा के चल रहे हैं, और उनका फेस देखिए, फुल ऑफ पेन, फुल ऑफ पेन। ये देख के ना मेरे को इतना दुख हो रहा था, मुझे लग रहा था कि कोई ज़रा उनसे प्यार से बात कर ले, उनको बोल दे कि बेटा आप बैठ जाओ, या फिर कोई बात नहीं आप जाओ थोड़ा इसको क्रैम्प को देखो। लेकिन ये गेम है ना, ये एक ऐसे इमोशनल चीज़ नहीं है, इट्स अ स्पोर्ट, यू हैव टू कम्पीट, यू हैव टू स्टैंड टॉल। बेचारा बंदा लंगड़ा के चल रहा है, आपके सामने है, फिफ्थ आया है, दर्द में है, चेहरे पे दिख रहा है लंगड़ा के चल रहा है। आई जस्ट वंडर क्या चल रहा होगा योगेश के दिमाग में, क्या चल रहा होगा। ही केम फिफ्थ डिस्पाइट ऑल हिज हार्ड वर्क, ही हैज अ क्रैम्प दैट ही कांट स्टैंड अप, बार बार अपने हैम्स को टच करके देख रहे हैं। बट नंदलेस फोर्थ प्लेस मिला ट्रंक नंबर, ये तो ओडिशा के हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फोर्थ प्लेस मिला ट्रंक नंबर 68 को। एक्चुअली अशोक बेहरा इनका नाम है, छत्तीसगढ़ के हैं ये।
अशोक बेहरा फ्रॉम छत्तीसगढ़, आई थिंक इनके टी इनके कोच हैं बलाल खान, वो हैं उड़ीसा के। थर्ड प्लेस वेंट टू ट्रंक नंबर, आइए आइए आगे आइए, थर्ड प्लेस वेंट टू ट्रंक नंबर 76 है असम के परीक्षित हजारिका, परीक्षित हजारिका को मिला थर्ड प्लेस। यहाँ पे ये भी बना दूं कि अगर टॉप एट में हम देखें ना तो सिक्स प्लेस पे थे अजीत सिंह जामवाल जो जम्मू कश्मीर के हैं ट्रंक नंबर 130 पे, कशार अली असम के वो सेवन्थ नंबर पे थे, और चिंचुन कुमार मोहंती उड़ीसा के हैं जो एट्थ नंबर पे थे। अब टॉप टू में बचे विग्नेश जो कि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के थे, और धीरज कुमार जो कर्नाटका के थे। उनमें देख लेते हैं कि सेकंड कौन आया और फर्स्ट कौन आया। फर्स्ट को मिले 75,000 रुपीज, सेकंड को भी काफ़ी अच्छी धनराशि मिली है, बट आई एम नॉट श्योर। सो द सेकंड प्लेस यानी फर्स्ट रनर अप ऑफ दिस कैटेगरी इज फ्रॉम कर्नाटका, ही इज धीरज कुमार ट्रंक नंबर 86। आइए आइए आगे आइए बीच में आइए, यस देयर यू गो ट्रंक नंबर 86। सबका अभिवादन किया, बहुत ही ज़बरदस्त फिजिक, बिल्कुल एज ए पैक्ड मसल था इनका, सुपर पैक्ड मसल लेग्स, माय गॉड। इनसे पूछा जाएगा आपका फेवरेट मसल ग्रुप कौन सा है, लेग्स ही बोलेंगे। लुक एट दैट भाई, कैसे कर लेते हैं सोचना भी बहुत अजीब लगता है। एंड द विनर वाज अगेन रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के विग्नेश ट्रंक नंबर 69 ट्रंक नंबर 69 विग्नेश। विग्नेश शॉर्ट हाइट के बहुत ही अच्छे गठीले बॉडी बिल्डर हैं, दैट्स व्हाई ही वन गोल्ड इन हिज कैटेगरी। यहाँ पे ये भी बता दूं आपको, रिमाइंड करा दूं, प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद दीज एथलीट्स, क्योंकि शायद इनके पास इनके विनिंग मोमेंट्स के पिक्चर्स वीडियोस नहीं होंगे। हमारे जरिए आपके जरिए अगर इनको इनकी प्यारी मेमोरीज मिल जाएं, क्योंकि 90% बॉडी बिल्डर्स बेचारे इसी फिराक में रहते हैं कि किसी तरह उनका उनका कुछ मेमोरीज मिल जाए, और उनके पास नहीं होता। उसके बाद हुआ एक ग्रुप पोजिंग, सारे एथलीट्स नीचे बैठे, आई वॉन्ट टू सी योगेश कैसे बेचारे नीचे बैठे होंगे। कोशिश कर रहे हैं किसी तरह बिना घुटना मोड़े अगर बैठ जाएं योगेश। ये है हमारे टॉप थ्री, टॉप थ्री में विग्नेश, आपको पता है धीरज कुमार और परीक्षित हजारिका, इन तीनों को मिला प्राइज। उसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ है उनको जाने के लिए बोला गया। मेरी नज़र ना सिर्फ योगेश के ऊपर टिकी थी, बेचारा कैसे जा रहा है, बट आई शुड नॉट बी इमोशनल अबाउट दिस गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। टॉप थ्री उनका पोजिंग हुआ, उन्होंने पूछा चले हाथ ऊपर उठा के करें, अरे चलो चलो जीत गए। देखो IBBF मिस्टर इंडिया में ना टॉप थ्री या टॉप फाइव में आना ही अपने बाप में बड़ी बात है। उसके बाद एक इंडिविजुअल पोजिंग हो गई योगेश निगम की, और सॉरी विग्नेश की, रेलवेज वाले विग्नेश की, उन्होंने अपना ट्रॉफी और सर्टिफिकेट उठाया, चले गए। वील ऑल्सो गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी। Alright, here is 70 kgs category at 15th IBBF Mr. India, जो लुधियाना में हो रहा था। देखिए आपको फिर से याद दिला दूं कि प्लीज शेयर दीज वीडियोज विद ये जो एथलीट्स हैं, इनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज एवरी एथलीट कीप्स लुकिंग आउट कि मेरे वीडियोज मेरी मेमोरीज मुझे कहाँ से मिल जाए, और उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इस कैटेगरी में कुछ बहुत ही सॉलिड लोग थे, जैसे सोवादीप बैदिया असम के हैं, रविंद्रनाथ टी माने सर्विसेज के थे, शशांक थे उड़ीसा के, महीप कुमार थे दिल्ली के इस बार, राजू खान थे बिहार के, वेरी वेरी ओल्ड वेटरन बॉडी बिल्डर, शॉर्ट हाइट मैसिव साइज, अमित कुमार भुइया उड़ीसा के जो पहले गोल्ड जीत चुके हैं। उसके अलावा प्रतीक पांचाल थे, अगेन रेलवेज के हैं, महाराष्ट्र के हैं, मनीष आदवलकर जी की टीम को बिलोंग करते हैं, और महाराष्ट्र के एक पंचाक्षरी लोनार ऐसे करके उनका नाम है, वो भी थे। तो देखते हैं कि इस टॉप एट में कौन कौन लोग हैं, लेट्स टेक अ लुक। अभी तो टॉप एट निकालना बाकी है, बट आप इसमें काफ़ी सारे एथलीट को देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल बीच में आपको अमित भुइया दिख रहे हैं, और ये पंचाक्षरी जो बड़ी सी दाढ़ी मूछ है, आई थिंक ही इस पंचाक्षरी, वो हैं यहाँ पे बुलाया गया दो ट्रंक नंबर्स को, ट्रंक नंबर 126। ये हरिद्वार के हैं, जो मूछों वाले दिख रहे हैं ना सॉलिड फिजिक वाले, ये हरिद्वार के हैं, और ये हरिद्वार में पुलिस में है। कैन यू इमेजिन मुछड़ पुलिस ऑफिसर विद अ सॉलिड बॉडी लाइक दैट, भैया जो गुंडा नहीं भी होगा ना वो भी डर के थोड़ा साइड हो जाएगा, सहम के बात करेगा। बट जोक्स अपार्ट, बॉडी बिल्डिंग इज अ वंडरफुल गेम, एंड द वे IBBF कंडक्ट्स देयर चैंपियनशिप्स इज ऑल्सो प्योरली फिनोमिनल। अभी तो सिर्फ 19 मिनट हुए हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी कम टू द थर्ड कैटेगरी विच इज 70 kgs, जो आपके सामने है।
ये कंपैरिजन हो रहा था इन दोनों लोगों का। आई थिंक इन दोनों में से किसी एक को पिक करना होगा। पीछे 10 एथलीट्स होंगे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 9 एथलीट होंगे, चाहिए होते हैं टॉप 8 ताकि ये इनकी रैंकिंग कर सकें टॉप 8 की। उसमें से निकलेंगे टॉप 5 और टॉप 5 में से निकलेंगे टॉप 3। ऑल राइट, अब बहुत जल्दी मैं आपको इस कैटेगरी का ना कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि टॉप 8 में कौन थे, उनका पोजिंग कंपैरिजन आपको दिखा देता हूँ। ये आ गए हमारे पास टॉप 8। टॉप 8 में कौन कौन है एक मिनट रुक के आपको बताता हूँ, तब तक आप पोजिंग एंजॉय कीजिए। हाँ, तो इसमें टॉप 8 में इन नो सीरियल ऑर्डर ट्रंक नंबर 97 है रविंद्र माने जो सर्विसेज के हैं। उसके बाद है ट्रंक नंबर 103 प्रतीक पांचाल जो रेलवेज के हैं। उसके बाद है ट्रंक नंबर 110 सुवादीप बैदे आसाम के हैं। ट्रंक नंबर 111 राजू खान बिहार के हैं। ट्रंक नंबर 113 अमित भुइया उड़ीसा के हैं। ट्रंक नंबर 116 लोनार जो महाराष्ट्र के हैं। ट्रंक नंबर 117 जो शशांक साहू उड़ीसा के हैं। इन सब का एक फाइनल कंपैरिजन हुआ और उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंडेटरी पोजेस आपको दिखा देता हूँ। बीच में आपको राजू खान, प्रतीक पांचाल, लेफ्ट साइड से प्रतीक पांचाल, राजू खान, अमित भुइया और उसके बाद वो उड़ीसा वाले जो मैंने आपको एथलीट बताया ना, आई थिंक शशांक शेखर साहू, वो आपको दिख रहे हैं। साइड चेस्ट था, ये बैक डबल बाइसेप है, लुक एट द फ्लेयर, लुक एट द सुपर फिजीक। उसके बाद था ओब्लीक्स विद थाई मसल और इसके बाद एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा फ्री पोजिंग का ताकि ये सारे एथलीट्स एक्चुअली अपनी मेमोरीज कलेक्ट करके ले जा सकें। टाइम फॉर फ्री पोजिंग। और ऐसे ही आ गया प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम, जिसमें फिफ्थ प्लेस मिला महीब कुमार को जो दिल्ली के हैं, 69 केजीज के हैं, ट्रंक नंबर 118। आई थिंक ही वाजंट रियली एक्सपेक्टिंग दैट ही गेट फिफ्थ। एक फिस्ट पंच के बाद इन्होंने अपनी ट्रॉफी को एक्सेप्ट किया, अपने क्वाड्स को फ्लेक्स किया, एक अच्छी सी स्माइल दी। फोर्थ प्लेस वेंट टू वेटरन वेरी सीनियर बॉडी बिल्डर फ्रॉम बिहार राजू खान। राजू खान का ट्रंक नंबर है 111 और 68.5 केजीज के थे। इन्होंने सबके सामने झुके और प्यार से अपना ट्रॉफी और सर्टिफिकेट लिया। आई रिमेंबर राजू खान फ्रॉम मिस्टर इंडिया लुधियाना, काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ जो गुड़गांव में हुआ था। दाढ़ी मूछ थी उस टाइम उनकी। बट नन द लेस थर्ड प्लेस वेंट टू अमित कुमार भुइया जो उड़ीसा के हैं। 113 नंबर इनका ट्रंक नंबर था, पहले गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। आई थिंक अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट फॉर हिम दिस टाइम। झुके इन्होंने, धरती माँ को प्रणाम किया, एक मोस्ट मस्कुलर मारा, अपना मेडल पहना। बट देखो, कंडीशन कैन बी अप एंड डाउन, बट इस कैटेगरी थी बहुत टफ, बहुत सारे सीनियर बॉडी बिल्डर्स इसमें थे। और उसके बाद जो सेकंड प्लेस मिला प्रतीक पांचाल को जो रेलवेज के हैं, महाराष्ट्र के हैं, ट्रंक नंबर 103। इसका मतलब विनर हो गए पंचाक्षरी भीमन्ना लोनार जो महाराष्ट्र के। इनके बारे में मैं थोड़ा और मालूम करूंगा, मुझे नहीं पता इनके बारे में कुछ भी एक्चुअली। पंचाक्षरी भीमन्ना लोनार महाराष्ट्र के हैं। तो सेकंड प्लेस मिला प्रतीक पंचाल को जो टीम मास के यानी मनीष आदवलकर जी के टीम मेंबर हैं, और विनर हो गए महाराष्ट्र के, एक बार फिर से महाराष्ट्र के विनर। अभी तक अगर हम देखें ना तो पिछली कैटेगरीज में ये दो ही जगह के विनर्स बार बार आए हैं। 55 केजीज में विनर थे के बालाकृष्णन जो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के हैं। 60 केजीज में नितिन मात्रे जो महाराष्ट्र के हैं। 65 केजीज में विग्नेश जो रेलवेज के हैं। 70 केजीज में लोनार जो फिर से महाराष्ट्र के हैं। तो महाराष्ट्र रेलवेज अभी यही चल रहा है। आई होप नेक्स्ट कैटेगरी में कोई इनका वर्चस्व तोड़ पाएगा किसी और दूसरे स्टेट का, या टीम का बंदा एक मेडल जीत पाएगा। ये था विनिंग ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सबका साइड चेस्ट का पोज, वेरी गुड यूनिफॉर्मिटी। ये भी जजेस इनको बता देते हैं, स्टेज मार्शल बता देते हैं, साइड चेस्ट ले लीजिए। उसके बाद टाइम आ गया एक साथ में तीनों लोगों का एक ग्रुप फोटोग्राफ का। तीनों ने स्ट्राइक किया फ्रंट डबल बाइसेप विद क्वाड्स। उफ, देख के अजीब लगता है भाई, कैसे कर लेते हो। स्पेशली लुक एट लोनार्स वी टेपर। अगर वो फिर से डबल बाइसेप मारते हैं, फिलहाल उन्होंने मोस्ट मस्कुलर मारा हुआ है, ही लुक्ड फिनोमिनल। और अब चलते हैं हम अगली कैटेगरी पे।